अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो फाइनेंस के अंदर कोई भी आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो BTC है ना, जब BTC ऊपर जाएगी तो दूसरे भी ऊपर जाएंगे, अगर BTC नीचे जाएंगी तो दूसरे भी सारे बिटकॉइन नीचे आएंगे। तो अगर आप $100 में कोई कॉइन खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करें $50 BTC पे लगाएं और $50 किसी कॉइन पे लगाएं, ठीक है। उसकी वजह यह है जब BTC ऊपर जाएगी तो दूसरा कॉइन भी जाएगा। ये देखें, अभी ये आपके सामने BTC लिखा है 55,164 और 7% लिखा है, ये 139.31 लिखा है। आप इसका एवरेज निकालेंगे तो जितना प्रॉफिट आपको BTC में मिलेगा उतना ही सॉइल में मिलेगा, TRB में मिलेगा, STMX में मिलेगा, VIC में मिलेगा, IDO में, यानी कि जितनी भी मार्केट है उसका इसी इसी की कैलकुलेशन करके जो जितने पैसे इसमें लगाते हैं और प्रॉफिट है उतनी इधर प्रॉफिट आपको दूसरे कॉइन के अंदर आएगा। तो जब भी आप मतलब बायनाइंस के अंदर काम करें, तो मैंने तकरीबन कोई ₹1,000 नुकसान करके आज ये चीज़ समझी है कि BTC ही खरीदेंगे तो ही फ़ायदा होगा, दूसरे का कोई फायदा नहीं। एक ही कॉइन पे ध्यान रखें, वो है BTC। बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकात। और लास्ट पे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप क्या करें कि आप 7 बजे रात को या जितने भी बजे हैं, आप 12 घंटे को टोटल करें, उनका चेक करें, 12 घंटों के अंदर इसका हाई लेवल और लो लेवल कितना था, उसकी एवरेज निकाले, एवरेज निकाल के 10% माइनस करें। जब वो 10% माइनस होगा जो उसके ऊपर आपने लगाना है कि जब इतना रेट हो जाए कि तो ये मेरे डॉलर जो है ना USDT BTC में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आपको अगले 2 दिन के अंदर आपके वो पैसे रिटर्न में आ जाएंगे 1.5 दिन के अंदर। तो ये चीज़ थी, इस चीज़ को मैंने सीखा समझा और आज मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।